देखो चिंता विंता कुछ नहीं, उद्धव जी ठाकरे जी का जो नेतृत्व है वो कुछ चिंता विंता करने वाला नेतृत्व नहीं है। जनता ने एक्सेप्ट किया हुआ नेतृत्व है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने दिए हुआ नेतृत्व है और उसको जनता ने एक्सेप्ट किया हुआ नेतृत्व है, इसलिए चिंता उद्धव जी नहीं करते। उद्धव जी की सीएम पद की कुर्सी गई, उन्होंने एक मिनट में रिजाइन किए, नहीं तो उनको अगर कुर्सी से प्रेम रहता तो लास्ट तक रहते थे। लोग तो जाने जाने तक सहन करते बैठते हैं, इनका तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, कोई मिसाल नहीं है ऐसी, इसलिए चिंता विंता कुछ नहीं, न्याय मिलना चाहिए अपेक्षा है। लेकिन बार बार आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बार बार दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, राहुल नार्वेकर तो आरोप लगा रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, किसको लूनी लगाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, जिसके खिलाफ हियरिंग ले रहे हैं, जिसके खिलाफ आरोप है उससे मिल रहे हैं, वो कौन सी पॉलिटिक्स है, हाँ ये कौन सी पॉलिटिक्स है, उसका भी खुलासा राहुल नार्वेकर जी ने करना चाहिए। आप 6-6, 8-8, 10-10 महीने लगाते हियरिंग को, उसका भी खुलासा, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स कौन सी, इसका भी खुलासा राहुल जी ने करना चाहिए। वो कह रहे हैं वो तो विधायक है ना, वो तो मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, सबको अधिकार है। विधायक है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ दे, विधायक बोल के मिले किससे भी, हमको क्या लेना देना है। विधानसभा अध्यक्ष ये बड़ा प्रोटोकॉल की जगह है, उनका काम, विधानसभा अध्यक्ष काम कोई रुक नहीं सकता है महाराष्ट्र में। एक हर टाइम सीएम का काम रुक सकता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का ही काम नहीं रुक सकता है, इतनी शक्ति उस जगह पे है। इसका मतलब आपको आपकी जगह का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए आपको जाना पड़ता होगा। कल गुप्त बैठक भी हुई मुख्यमंत्री से, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दोनों उनके साथ बैठक किए, उसको गुप्त कहा कह सकते हो गई, आपको मालूम होगा इसका मतलब गुप्त थोड़ी थी वो। अगला सवाल लूंगा मैं, उम्मीदें क्या है आज के जो निर्णय आएगा, किसके फेवर में होगा नहीं होगा, क्या क्या कुछ उम्मीदें? देखो जो आएगा वो आएगा, उसको उसके सामने जाना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, ये भूमिका हमारी है। न्याय की तो अपेक्षा है, लेकिन न्याय की अपेक्षा न्याय नहीं मिला, अन्याय हुआ तो क्या हम थोड़ी घर में बैठने वाले, हम थोड़ी चुप बैठने वाले, हम तो आवाज़ उठाएंगे और बहुत सारी जगह जा सकते हैं, हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। स्वरूप से फैसले पर सबकी नज़र है, मगर फैसला सत्य और असत्य का है, सत्य और सत्ता का है। इस ये फैसला शिवसेना के लिए और जनता के लिए अहम है, क्योंकि पहले भी हमारा चिन्ह नाम चुराया है, मगर ये चुराने के बाद भी लोग उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ ही रहे। एंड ये निर्णय जो है तो अभी आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनील प्रभु का व्हिप मान्य किया है, और उस व्हिप के यहाँ से ही हम उनका व्हिप हमने मान्य किया है, और इसलिए जिन्होंने व्हिप मान्य किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये संकेत है। मगर ये संकेत के बाद अभी निर्णय क्या होता है वो हम देखेंगे। लेकिन बार बार आप लोग विधानसभा स्पीकर पर सवाल उठाते हैं, उनकी भूमिका पर सवाल उठाते हैं, कारण क्या है? उनकी भूमिका गले 1.5 बरस से 2 बरस से उनकी भूमिका लगातार द्विधाधिन स्थिति में है, इसलिए सवाल उठाते हैं, मगर अभी 4 बजे के बाद वो निर्णय होगा। अगला स्टेप क्या होगा यदि आपके फेवर में फैसला नहीं आता है तो क्या करेंगे आप? निश्चित स्वरूप से उसके ऊपर हमारे कैबिनेट ने, हमारे वरिष्ठ नेता है, वो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और वो हम निर्णय लेंगे।